भाई अब ये बहुत खर्चा सर पे आ गया। गाड़ी एक बार खुलते उसी में खर्चे शुरू हो जाते हैं। वही बात है भाई, अब 70,000 चलने के बाद है ना इस बार टेस्ट में ये दिक्कत आनी ही आनी है। तो अभी सारा का सारा एक तरह से मोटा ही खर्चा है, जो कि अब हम ना गाड़ी ठीक करानी पड़ेगी, क्योंकि अब गाड़ी को जब लेके केरला जाना है तो भाई ये सब तो करवाना पड़ेगा काम। ये वहां से कुछ देख के आएगा और फिर बोलेगा कि अब मैं गाड़ी का ना ये करवा रहा हूँ। अच्छा हाँ। ऐसा है क्या? जो रैप है ना भाई वो फाड़ रहे हैं फिलहाल, क्योंकि अब गाड़ी वही बात है, ट्रिप पे जानी है, ट्रिप पे जा रही है तो मतलब वही है भाई, यहाँ काफी स्टेट चेंज हो रही है। और मेन रीजन जो है इसको चेंज कराने का वही है भाई, फिलहाल आप सबको पता है इलेक्शन टाइम भी आने वाला है, ऊपर से काफी स्टेट चेंज हो रही है। और उससे भी बड़ा रीजन भाई, मैं अपने घर वालों के साथ जाने लग रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ मतलब किसी से रिलेटेड भी मेरे को कोई ट्रिप में दिक्कत हो, क्योंकि जब होता है ना दोस्तों वगैरह के साथ जाते हैं जब इतनी दिक्कत नहीं रहती, मतलब मैनेज हो जाता है, बट फिर जब जाने घर वालों के साथ है तो सब ये रहता ही है। The next day. हेलो दोस्तों, स्वागत है भी आपका एक और नई वीडियो में। आज भाई अपनी वर्टस जो है फिलहाल रेडी होने लग रही है लंबे से ट्रिप के लिए। अभी 2-3 दिन में जो है ना भाई मैं रोड ट्रिप पे निकल रहा हूँ अपनी वर्टस को लेके, और बहुत लंबा जा रहा हूँ, मतलब बहुत लंबा, मतलब बहुत लंबा, मतलब मेरे ख्याल से ना अभी तक मेरी लाइफ का सबसे लंबा रोड ट्रिप होगा ये। और अपनी वर्टस को ही लेके जा रहा हूँ 70,000 किलोमीटर चलाने के बाद में, और फिलहाल जो उसके डिस्क और ब्रेक पैड है वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आप देख लो वरना में हूँ, आफ्टर सो लॉन्ग आपने वरना नहीं देखी होगी मेरे चैनल पर। फिलहाल मैं इसको चला रहा था काफ़ी दिन से, 80,065 चल चुकी है, और फिलहाल मैंने इनसे बात कर ली थी, फॉक्सवैगन में जाने लग रहा हूँ। अब जो डिस्क है ना वो मैं ग्राइंड करानी है मेरे को, और डिस्क है ना मैं बाहर से ही ग्राइंड कराऊँगा, और मेरे को चारों अपने जो हैंडल थे ना वो भी ग्लॉस ब्लैक पेंट करवाने थे बाहर से, मतलब अपनी खुद के उससे। तो मैंने इनसे बात करी थी कि मैं भाई मेरे को ऐसे ऐसे ना ब्रेक पैड लेने हैं, तो ये बोले कि हम काउंटर सेल तो नहीं करते। अब दिक्कत बताऊँ क्या, मैं पहले इनसे ब्रेक पैड डलवाऊँ, उसके बाद फिर मतलब टायर खुलेगा सब कुछ होएगा, उसके बाद फिर मैं जो है ना दूसरी जगह पे लेके जाऊँ उसको, वहाँ पे भी फिर से सेम टू सेम खोल लूँ, तो दो बार खुलवाऊँ। इससे अच्छा तो यही है ना कि एक बार खुलवा के वहीं करवा लूँ। और अभी इनसे मैं अगर ये सारा काम कराऊँगा तो आपको पता है भाई ये लेबर वेबर सब जोड़ के ना मेरा बहुत मोटा बिल बांध देंगे, और आपको पता है हम वैसे बहुत गरीब हैं, तो इसलिए मैंने इनसे बात कर ली थी। तो अब इनसे ब्रेक पैड जो है ना मैं वो ले लेता हूँ, तो अब देखते हैं। ये लेबर मैंने बस मनाने के लिए ये बोल दिया मैं भाई तुम लेबर भी ले लो, कि लेबर कितनी होगी, 100-200 रुपये की, 400 रुपये की लेबर होगी। अब उसके ऊपर मैं अपनी गाड़ी क्यों बार बार अपने वो जैक से खुलवाऊँ, मत समझ रहे हो, क्यों नुकसान करूँ बेफालतू में। तो यही है भाई, फ़िलहाल मैं यहाँ रोहतक वाले फॉक्सवैगन में आ रखा हूँ, तो इनसे ब्रेक पैड ले आते हैं, फिर आपको बताता हूँ क्या कुछ इन्होंने मेरा बिल बनाया, उसके बाद फिर चलते हैं अपनी वर्टस में। A few moments later. फिलहाल है ना मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमें मिले हैं, अब ये है ना मैन्युफैक्चर है September 2023 भाई, ये सबसे लेटेस्ट वाली थे उनके पास में, और ये इसमें लिख रखा है MRP 6814। खोल के भी दिखा देता हूँ, ये जो अपने ब्रेक पैड का पूरा आ चुका है मैं इसका, ये ज़्यादा नहीं खोल रहा, नहीं तो ये गुम ना हो जाए, तो इसको तो वापस रख देते हैं। अब आते हैं बिल पे, ये बिल दिया है भाई इन्होंने, मतलब एक तरह से जो लेबर है ना इन्होंने ले ली भाई 1121 रुपये की इसके GST के बाद में, और जो ब्रेक पैड हैं वो 6814। अब टोटल जो खर्चा है वो दे के आया हूँ मैं भाई 7935 का, ठीक है। अब आप सब यही कहोगे कि भाई अब आपने कंपनी में भी पैसे दे दिए लेबर के, लगवा बाहर रहे हो और पैसे भी दिए आए। अब पैसे है ना ओरिजिनल अगर हम बिल की बात करें ना तो 1770 रुपये की कुछ लेबर होते हैं, तो 600-700 रुपये का इन्होंने कुछ थोड़ा मेरे लिए थोड़ा प्यार मान लो या डिस्काउंट दे दिया। अब दिक्कत क्या है, मैंने ना मेरे को अपनी गाड़ी के जो हैंडल थे चारों जो हैंडल हैं वो पेंट कराने थे, और जो डिस्क है ना वो ग्राइंड करानी थी, क्लीन करानी थी। अब यही काम मैं कंपनी में कराता ना भाई लेबर लेबर में बहुत पैसा ले लेते ये। तो फिलहाल भाई चलते हैं, मैं आपको वर्टस दिखा देता हूँ उसमें हम कैसे क्या कुछ काम करवा रहे हैं। वही बात है भाई, अब 70,000 चलने के बाद है ना इस वर्टस में ये दिक्कत आनी आनी है, तो अभी सारा का सारा एक तरह से मोटा ही खर्चा है, जो कि अब हम ना गाड़ी ठीक करानी पड़ेगी, क्योंकि अब गाड़ी को जब लेके केरला जाना है तो भाई ये सब तो करवाना पड़ेगा काम। अब इन ब्रेक पैड की दिक्कत बताऊँ क्या थी, ये ब्रेक पैड है ना जैसे मैं मेरे को ब्रेक मारने हैं लिक्विड जैसी है ना वो गुड़गुड़ आवाज आती है, नॉर्मल भी चल रहा हूँ ना रेलिंग में से आएगी। ये देखो आ रही है, मतलब पता नहीं उसमें आ रही है कैप्चर हो रही है नहीं हो रही,
पर बहुत है ना गंदी दिखती है यार आवाज, मतलब कोई साइड में चल रहा होगा ना वो टेढ़ा टेढ़ा दिखता है, तो वहां थोड़ी 20-30 फीट होती है। अब देखना फिर से लिक्विड जैसे और पच बहुत गंदी आवाज है। ये देखो भाई पहले ना इसमें हमने रैप वगैरह कर रखा था, तो अभी हैंडल खुलेंगे ना तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना इसको ग्लोस ब्लैक ही पेंट करवा देंगे। और बीडिंग के जैसे अंदर भी रह जाता है ना, तो ये बीडिंग वगैरह खोल के यहाँ से भी वो पूरा निकाल रहे हैं जो थोड़ा रह जाता है ना रैप का, और पीछे का जो है ना ये नंबर प्लेट हटा के जो यहाँ है ये हटवा के पूरी पे नंबर बिना नंबर प्लेट रख लेंगे एक बार इस पर। और लोगों भी मैंने अभी निकाल दिया है, लोगों तो ऐसे ही रखेंगे। लोगों ना मैंने ये डार्क क्रोम करा रखा है, इस पर मशीन चलवा के इसमें थोड़ा ग्लॉस ले आएंगे क्योंकि अभी इसमें ग्रीन रैप हो रखा था। ठीक है, ड्राई क्लीन तो अपना कर लेंगे, बाकी और तो कोई काम नहीं है ऐसा। ये सारा ही साफ होने लग रहा है, पहले तो हैंडल खुल रहे हैं भी चारों के चारों ताकि आगे का काम हो जाए, हैंडल जो है पेंट हो जाए। ये सारे के सारे हैंडल पेंट कराने हैं। रैप है ना यार, वही बात है, रैप है ना टेम्परेरी सा काम है। ये बीडिंग वाला तो चल रहा है मेरा अच्छा अभी तक, 1.5 साल हो चुका है। ये वाला भी करवा देते हैं भाई। अब फिलहाल हम ना ब्रेक पैड चेंज कर रहे थे ना, अभी ये देख लो ये भी लीक होना शुरू हो गया हो रहा है, हो चुका है ना, ख़त्म ही हो चुका भाई। अब ये एक और खर्चा सर पे आ गया, गाड़ी एक बार खुलते हो उसी में खर्चे शुरू हो जाते हैं। ब्रेक पैड रह ही नहीं रखे भाई, ख़त्म रखा है बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल प्लेन हो रखा है। देख लो ये खर्चा भी, ये देख लो शोकर का खर्चा भी आ गया, अब ब्रेक पैड भी भाई ये जो है ख़त्म हो रखे हैं। ये देखो ये नए वाले हैं, कितना डिफरेंस है। अभी ये भी ग्राइंड कराऊँगा, साफ सी करवा लूँगा इसको भी। और ये खर्चा तो भाई मेरे सर पे आ चुका है, ये वाला जो है ना पूरा का पूरा। अभी कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी करा लो तो सही, नहीं तो ये फैलता है, मतलब और नुकसान कर सकता है। 2000 years later अपनी यहाँ रोहतक में ना जितने भी स्टूडियो थे ना किसी पे भी परफेक्ट एक तरह से पीपीएफ का रूम नहीं था, तो हमने भाई स्पेशल अब की बार ध्यान में रखते हुए कि कस्टमर्स की पहली पसंद एक तरह से पीपीएफ पे एक तरह से पीपीएफ रूम, यहाँ से ना मतलब नो एंट्री एग्जिट है भाई, सिर्फ गाड़ियाँ ही अंदर आती हैं यहाँ पे। अभी बस हमारा पर्दा लगने वाला है, वो उसके बाद तो यहाँ पे ये बिल्कुल बंद एरिया हो जाएगा एक तरह से, यहीं पे जो हम पीपीएफ और कोटिंग करते हैं भाई। फिलहाल अब बिल्डिंग वगैरह लगेंगे इसके, सब कुछ काम होना है इसका तो। और ये यहाँ पे अच्छा फोन स्टैंड है भाई, ठीक है नाइस है। तो ये सब कुछ है, गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है ये वाली है, है? है? हाउ आर यू, कैसे हो आप, जिंदा थे अभी भी है तो जिंदा ही, जिंदा थे आप भाई। फिलहाल जो है आज फ्यूजन भाई आए हमारे पास में, मतलब वीडियो चल रही थी ना तो इसलिए अब भाई को भी हमने ले लिया। और कैसे हैं आप, मतलब इतने आज दर्शन कैसे, आप कहाँ गायब हो रखे थे? कहीं नहीं, यही थे बस, कुछ चल रहा है वो जल्दी पता लगेगा। अब पता तो हमें ही है, पर वही बात है ना भाई, पब्लिक में वो नजर लग जाती है, डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है इसलिए हम बता नहीं रहे हैं भाई है ना बस। चलो ठीक है, इससे ज्यादा तो हिंट क्या ही दे सकते हैं, भाई कहीं जा रहा है तो अब इतना ही हिंट भी दे देता हूँ कि भाई की शादी हो रही है अंग्रेजन के साथ में। अब आपको इसके अब जो है इसके व्लॉग्स में आपको एक अंग्रेजन भी दिखेगी, तो उसके लिए आप इसका चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, अगर ये वीडियो डालेगा तो डालेगा वीडियो, देखेंगे अभी कुछ पक्का। मैंने इसको कहा है कि भाई डाल ले, बहुत चलते हैं आजकल ऐसा कहते ठीक है। तो भाई ये है फिलहाल, इस पर हो रहा है, इस पर भी हमने जो है इस पर भी हो चुकी है, मतलब एक तरह से हमने रेडी करके खड़ी कर रखी है यहाँ पे। इस पर भी जो हमने 5 ईयर्स वाली जो हमारी खुद की पीपीएफ है द वुल्फ डिटेलर की, आप ये स्टिकर भी देख सकते हो, मतलब आप ग्लॉस देख लो भाई, आमना सामना ऐसे कैसा हो रहा है। 1 महीना हो चुका है इस गाड़ी को, अब है ना मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अब ये वाली जो स्कॉर्पियो हमारे पास आ रखी थी ना, ये देखो ये काफ़ी माइनर स्क्रैचेस थे इसमें, अब ये पीपीएफ बाद में लगी है इसके। अब यहाँ पे अगर पीपीएफ होती ना ये पैनल बच जाता है यूँ का यूँ। अब जो ये है एक तरह से पीपीएफ के अंदर है तो थोड़ा लेट ही सही, पर चलो लोगों को पता चल रहा है कि भाई पीपीएफ नाम की चीज़ होती है। थोड़ा टूर दे देता हूँ मैं इस वाले स्टूडियो का, आपने देख लिया होगा यहाँ पे भी काम चल रहा है, मतलब ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। ये हमारे सेट वॉशरूम है, ये भी अभी यहाँ पे काम चल रहा है। इतने में जो है ना हमारा डिपिंग का जो सामान आना है, अभी ऑर्डर लगा रखा है हमने यहाँ डिपिंग का,
आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे थोड़ी स्टोरेज वोरेज है हमारी, तो ये भी हो जाएगा फिलहाल बाद में कंटिन्यू। ऑफिस बन रहा है हाँ, इसमें अपना वैसे ऑफिस बन रहा है, ये हमने अभी टेम्परेरी ऑफिस बनाया था, तो ये भी ठीक है ऑफिस, पर ये हम थोड़ा और नेक्स्ट लेवल बना देंगे, नेक्स्ट लेवल है। सब बता दे सब बता दे तू। तो भाई फिलहाल जो है अपनी गाड़ी का लास्ट स्टेप रहता था, क्या था वो? ग्रेफिन कोटिंग। ग्रेफिन कोटिंग का पूरी गाड़ी कर लिए, बोनट आखिरी भी कर रहे हैं, इसलिए साथ चढ़ रखी है क्योंकि हम अपनी गाड़ी प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं और खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरी गाड़ी है ना फिलहाल यहाँ पे सारी हो चुकी है, बस यही रहता है और 19-20 आपको फ़र्क लगेगा। ठीक है, काफ़ी निशान है, वो स्टोन चिप्स हैं, वो बहुत पहले के लग रखे हैं, बन गया मसाला अंदर मसूटूंगा थूक के बात करा करो मसाला थूक के चलो। अरे ये कौन सी भी वो है ग्रेफिन कोटिंग खुद की है? यस खुद की है। यस तो अभी हम इस पे कौन सी वाली कर रहे हैं? इस पे हम ग्रेफिन कोटिंग कर रहे हैं, 5 ईयर वाली। 5 ईयर वाली कर रहे हैं, पर आपको पता है कि आपका भाई 5 साल तक रखेगा नहीं, 5 हफ्ते 5 हफ्ते ज़्यादा बोल दिए। चलो ये करते हैं हम। भाई इसमें अभी ना नोटिफिकेशन आई है, प्लीज चेक द कूलेंट लेवल। अभी मैं नॉर्मल गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, मैं अभी दूसरी वीडियो बनाने जा रहा था गाड़ी की, एकदम ये आ गया, फॉर्चुनर की सर्विस कराने जा रहा था, और पहले मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये दिखाने जाना पड़ेगा भाई। अब यहाँ पे है ना बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है नो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड, पर मैं अपनी शक्ल दिखा रहा हूँ, मैं किसी गाड़ी को नहीं दिखा रहा हूँ। अब पता नहीं बनाने, अब हालांकि मेरे को टोका तो नहीं है, पिछली बार थोड़ा बोल दिया था कि अंदर वहाँ जाके मत बनाना, तो गाड़ी फ़िलहाल मेरी वहाँ पीछे होने लग रही है। वो देखो फिलहाल बहुत मोटा खर्चा, वापस से तीसरी बार लेके आ रहा हूँ 10 दिन के अंदर गाड़ी, 10 दिन के अंदर फिर से लेके आ रहा हूँ भाई खर्चे के लिए। पीछे काम हो रहा है, कूलेंट वगैरह डल, 1 लीटर डल रहा है, मतलब मिनिमम पे था, पर भाई है ना 7-1000 किलोमीटर चलनी है गाड़ी इस ट्रिप में, मोटा मोटा जो मैं मान के चल रहा हूँ, तो मेरी यही था मैं भाई अच्छे से एक बार गाड़ी पूरी हो जाए, तो ये बैटरी की वोल्टेज वगैरह सब कुछ फुल बॉडी चेकअप कर रहे हैं ये, तो उसका हमसे कोई पैसा नहीं ले रही है। तो भाई फिलहाल जो है आपको आवाज़ पीछे से आ रही होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और मैं फ़िलहाल स्टूडियो पे आ चुका हूँ, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक थोड़ी ख़तरनाक सी बात बताऊँगा जो भी मेरे साथ हुई है। मैं अभी कुछ एक जगह पे अपनी गाड़ी का नंबर डाल रहा था और वो लिस्ट काफ़ी लंबी आ चुकी है, जिसको देख के मेरे को अभी बैंक में जाना पड़ेगा, लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, केरला ट्रिप ऑन है भाई, रात को निकल रहे हैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा मैं भाई, अगर किसी भाई को मिलना भी हो कुछ भी हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और मोटा खर्चा आपने देख लिया इस वीडियो में, मैंने वर्टस कितना काम दिखा दिया, 8000 के ब्रेक पैड, डिस्क ग्राइंड हुई, हैंडल पेंट हुए थे, उसके बाद आज कूलेंट डल गया, मतलब मोटा मोटा मैं 14-1000 रुपये में छूट के आया हूँ, तो 14000 की वीडियो थी। तो वीडियो को लाइक करवा देना, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए ताकि मेरा ये जो पैसा है रिकवर हो जाए। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।